व्हाट्सएप कैसे लॉगिन करते हो? नंबर डालते हो, ओटीपी आता है और आपको व्हाट्सएप लॉगिन हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप में एक ऐसा सेटिंग है जिसको ऑन करने पे आप अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हो, जिसकी जिसके चलते आपको एक पेन भी डालना पड़ेगा, पिन भी डालना पड़ेगा और 6 डिजिट का जो कोड रहता है, जो SMS पे OTP आता है, वो तो डालना ही पड़ेगा। तो आप जब वो पिन डालोगे तो उसमें ईमेल डालो ना, वो ऐसा ईमेल डालना जिसको आप यूज़ करते हो। यदि आपका व्हाट्सएप का भी मान लीजिए आपका जो पिन भूल जाते हो, तो उसमें अपना जीमेल से आप रिसेट करोगे तो आपका रिसेट हो जाएगा अपना। आप कोई ऐसा ईमेल डाल देते हो जो कि बंद है या कभी आपने चालू नहीं किया, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं फिर आपको व्हाट्सएप लॉगिन करने में। तो आपका जब टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका मोबाइल के OTP के द्वारा नहीं खुलेगा, आपको पेन भी डालना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे ऑन कर सकते हो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप खोल लेना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करें, जो राइट हैंड साइड सबसे ऊपर के साइड होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे आपको नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें। उस पर आप तब क्लिक करेंगे तो आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा फोटो ID के नीचे, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेना है और इसको इनेबल कर देना है। आप इनेबल पे क्लिक करोगे तो आपको ये 6 डिजिटल पिन का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको जो भी सही लगे वो पिन आप सेट कर दीजिए। आप चेंज कर सकते हो, मैं अभी कुछ भी बिना ब्लर किए आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना पिन सेट करके देखिए, दोबारा आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको Gmail ID डालनी पड़ेगी। आप दोबारा ऑप्शन डाल देते हो, उसके बाद आपको Gmail ID डालनी है, क्योंकि जब आप अपना पिन कोड भूल जाओगे तो आपको Gmail ID से आप अपना रिसेट कर सकता है पासवर्ड पिन कोड। जैसे कि मैं अपनी Gmail ID डाल लेता हूँ। देखिए मैंने अपनी Gmail ID डाल दी और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा तो कंफर्म एक बार ईमेल कर लेता हूँ मैं, फिर आपको डन कर देना है और नेक्स्ट कर देना है, सेव कर देना है। सेफ होगा और डन हो जाएगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इनेबल्ड, डन कर देना है। अब आपको इसे हटाना है तो डिसेंबल का ऑप्शन है, चेंज पिन के लिए यहीं पे ऑप्शन है, आप इसे यहीं से चेंज कर सकते हो, और चेंज ईमेल के लिए भी यहीं से ऑप्शन है, आप यहीं से अपना ईमेल चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। तो आप लॉगिन करते हो तो आपके पास पहले तो एंटर 6 डिजिट कोड आएंगे, जो कि फर्स्ट वाला उनका जो स्टेप होता है वो कि कई सालों से है वही वाला। देखिए ये 7 हॉर्स, भाई कॉल कर लो यार, 7 हॉर्स तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जो कोड है वो डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपने जो कोड सेट किया होगा उसके बिना आप एंट्री नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं अपना कोड डाल लेता हूँ जो मैंने सेट किया था, देखिए ये हो गया वेरिफिकेशन, और यहाँ पर फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन भी आ रहा था, उस पर जाके आप अपना रिमूव कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो आप ईमेल के जरिए। बाकी उसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको व्हाट्सएप को डिलीट करोगे, कुछ भी करोगे, नहीं हो पाएगा। आपने ईमेल जोड़ दिया है तो ठीक है, ईमेल जोड़ना इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर ईमेल भूलना नहीं है। वीडियो में कुछ जगहों पर ब्लैक स्क्रीन आती है, वो क्या है कि परमिशन नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। ऐसी कुछ जगहें जहाँ पर वो ब्लैक स्क्रीन लगा देता है, क्योंकि वहाँ पर वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी उसको इजाज़त नहीं है। तो सॉरी फॉर इस प्रॉब्लम के लिए। तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को लगा था, प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।